ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, वो धांधली जो तुमने तब की थी जिसका इतराफ जनरल बाजवा ने खुद किया कि वो मैं था जिसने इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ को धांधली करके जितवाया। ये 2024 है, 5.5 लाख वोटर्स के हक पे ढाका नहीं ख्वाजा आसिफ को डालने देंगे। अपनी मुस्लिम लीग नून को लेके बैठो इसी तरह कि जिस तरह इतनी सब नजर आ रहे हैं और कुरान पाक हाथ में पकड़ो और मेरी तरह बात करना इसी तरह कि ये रिजल्ट जो मैं कौम को दिखा रहा हूं कि इसमें कोई झूठ है या जो जीत का रिजल्ट आपके पास है वो सच है। तो सियालकोट के अजीम लोग, सियालकोट के ये 5.5 लाख वोटर हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे जो आगे बढ़ के इस डाकू ख्वाजा आसिफ को वेलकम करेगा, ताकि हम सोसाइटी में ये पैगाम दे सके, हम पाकिस्तान में ये पैगाम दे सके। सियालकोट एक गैरतमंद लोगों का शहर है, सियालकोट बहादुर लोगों का शहर है। हम किसी ऐसे शख्स को वेलकम नहीं करेंगे जो सियालकोट के लोगों पे हक पे डाका डाल के आया। ये मेरा वादा है, कबर तक तुम्हारा पीछा करूंगा इस इलेक्शन में होने वाली धांधली का। ये सियालकोट गवाह है। मैं ये जद्दोजहद इसलिए करना चाहता हूं कि जब भी आगे पाकिस्तान में इलेक्शन आए तो ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकले वोट डालने के लिए। दोबारा ये जो सिलसिला शुरू हो गया, कोई वोट डालने की घर से बाहर निकलेगा। जिस जज्बे के साथ ये लोग बाहर निकले हैं, अगर उस जज्बे के ऊपर भी ख्वाजा आसिफ जैसे शर्म शख्स डाका डाल लेंगे तो फिर कोई शख्स इस मुल्क में और इस शहर में वोट डालने नहीं निकलेगा।